अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा ऑटोकैड का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो ये लेक्चर जो है मैं कंप्यूटर पे भी समझा सकता था, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको जो बेसिक चीज़ें हैं इस लेक्चर की वो बता दूँ, ताकि आप जिस जगह भी काम करें तो आपको कोई काम में प्रॉब्लम ना बने। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आप टाइम इनको देंगे तो आप किसी भी जगह जो है वो काम में मार नहीं खाएंगे। तो इसके पहले लेक्चर में जो मेरे पास यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ऐसा स्टेप बना हुआ था इस तरह के, सेम ये तीन स्टेप। तो ये किस तरह बनाने हैं, सबसे पहले हम जो है पहला मेथड जो है वो करेंगे जो सिंपल से तरीके में कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये जो दूसरा मेथड है जो फील्ड में हम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला मेथड जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा, एल एंटर करके आपने यहाँ पे किसी भी एक जगह नुक्ता लगाना है। उसके बाद लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल में 15 मीटर खींचना है। अब रही मीटर की बात, कुछ लोग कहेंगे हम फुटों में काम करते हैं, तो मैं आपको पेज सेट करना जो है मीटरों और फुटों दोनों में बता दूंगा, और दोनों में एक ही टाइम में आप पेज सेट करके काम कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर के ऊपर एक ही वक्त में। तो मैं आपको वो फुटों और मीटरों में पेज सेट करना जो है वो भी बता दूंगा। तो आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई सिंपल तरीके से, उसके बाद ऐसे में वर्टिकल 9 मीटर लाइन लगानी है, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल 5 मीटर, फिर 3, फिर 5, 3, 5 और लास्ट में यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है। ये था एक सिंपल सा तरीका जिसके ज़रिए आपने लाइन लगाना है। अभी दूसरा तरीका जो है इसका फील्ड के रिलेटेड जो है, जो जिस तरह हम फील्ड में काम करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके पास ये पूरी डायग्राम ना हो तो साइड में वो क्या करते हैं, आपको ये टोपो करके ये ईस्टिंग नॉर्थिंग जो है ये ला के दे देते हैं, और कहते हैं कि हर ईस्टिंग नॉर्थिंग हमारा कॉर्नर का पॉइंट है। तो आप इसको शो करो तो आपका ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, या हाउस है जो भी है। तो इस ये जो ईस्टिंग नॉर्थिंग है ना हमारे पास, ये पहला ईस्टिंग नॉर्थिंग, ईस्टिंग 00 और नॉर्थिंग जो है ये भी 00 है। तो ये किस तरह बनी, ये दूसरे नंबर पे ईस्टिंग 15 है और नॉर्थिंग जो है ये 0 है, ये किस तरह बनी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। इधर आप थोड़ा सा माइंड रखिएगा, एक मिनट में आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम जो है ये बनेगी। फ़र्ज़ करें ये वाली जो डायग्राम बना रहा हूँ ये यहाँ पर बनेगी। तो आपको पता है यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। ये वेस्ट साउथ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम नॉर्थिंग और ईस्टिंग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री जो हैं या गल्फ कंट्री ये इस क्वाड्रेंट में है, नॉर्थिंग और ईस्टिंग वाले क्वाड्रेंट में। ये थोड़ी लंबी बात है क्वाड्रेंट वाली, अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ही समझाता हूँ। तो यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से अगर इस तरफ कोई भी लाइन जाएगी, इधर मैं अगर ये डायग्राम बना दूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो इस तरफ जो भी चीज़ जाएगी ईस्टिंग बढ़ेगी। ये देखें ये ईस्टिंग है ना, तो 15 मीटर आगे गए तो मेरी यहाँ पे दूसरे नंबर पे ईस्टिंग आ गई 15। उसके बाद ये नॉर्थ, नॉर्थ जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, हर वर्टिकल लाइन नॉर्थ में बढ़ेगी या कम होगी, और हर हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्टिंग में बढ़ेगी या कम होगी, ये आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे ये 00 है, तो यहाँ पे हमारा 0 और कामा 0। तो आगे की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमारी नॉर्थ और ईस्ट क्या होगी, ईस्ट हमारी ये 15 मीटर डिस्टेंस तय कर रही है, ईस्ट 15 हो गई और नॉर्थ यहाँ पे ये 0 रहेगी। इसके बाद ऊपर की तरफ जाएं तो मैंने क्या कहा, अगर आप इधर यही डायग्राम बना लें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है, नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ क्या आ जाएगी, ये नंबर 3 वाली। ऊपर की तरफ जाएं तो ये नॉर्थ आ गई 9 और ईस्ट आ गई आपकी ये ऊपर की तरफ, यानी इधर में कोई भी ईस्ट बढ़ेगी नहीं, ये यहाँ पे भी हमारी जो ईस्ट है ये 15 रहेगी। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ईस्ट जो है 15 में से 5 कम करें, क्योंकि ईस्ट यहाँ पे मैं अगर यही डायग्राम बना लूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट यहाँ पे कम हो गई, तो 15 की बजाय 5 मीटर कम हुई तो कितनी रहेगी, 10, और नॉर्थ जो है
ये हमारे पास आ गई 9 और ये यहाँ पे ऐसे सेम रहेगी 9। नीचे में नॉर्थ कम होगी और इधर में ईस्ट कम होगी। तो ये था ये सिंपल सा तरीका। बाकी आप ये जो है ना ये लिखे हुए मैंने निकाल के लिख दिए हैं, आप आगे का इसका इसका ये खुद निकाल लें। और इसको सीखने का ऑटोकैड को सीखने का बिल्कुल आसान सा जो हल है, आप एक नोटबुक बना लें, मेरा पहला लेक्चर आप उसके ऊपर नोट करें, दूसरा लेक्चर नोट करें, तो इस तरह आपके पास जो है उसके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकेंगे, नहीं तो आप जैसे जैसे जो है मोबाइल के ऊपर देखते जाएंगे उस वक्त तो माइंड में रहेगा, उसके बाद जो है आपको बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए नोट्स जो हैं वो नोटबुक के ऊपर आप लाजम बनाएं। अब है दूसरा मेथड, ये है फील्ड मेथड। ये मैं अगर आपको बताऊं तो अब आप फर्ज करें कि ये हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर ये वाला जो है ना ये नहीं है। आपको उन्होंने क्या किया, फील्ड में सिर्फ ये कोऑर्डिनेट ला के दे दिए हैं, कोई लेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईस्टिंग नॉर्थिंग। वो कहते हैं कि हर कॉर्नर की ईस्टिंग नॉर्थिंग है, इसको आप कंप्यूटर में शो करें और हमें हाउस का प्लान बना दे या किसी बड़े प्रोजेक्ट का प्लान बना दे। तो इसको किस तरह कंप्यूटर में शो करते हैं और यही चीज़ बनाते हैं, ये तो हुआ सिंपल लाइन, और इस कोऑर्डिनेट से ये किस तरह लगाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा जी, ये हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैं आपको जो है बनाना सिखाऊंगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एल एंटर करूँगा। एल एंटर करने के बाद आपने 0,0 जो है वो दबाना है। वो दबाने के बाद देखें ये मेरी लाइन जो है ये 0 से लग गई है। ये आपने क्यों करना है, आप 2-3 लेक्चर जो है आप इसको अपनी आदत बना लें। ये पेज का ये जो आपकी फाइल खुली है उसके 0 से आपका काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं सिंपल यानी 2 मेथड आपको बताएं। पहले मेथड सिंपल से मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह ये स्ट्रक्चर बनता है और दूसरा जो है ईस्टिंग कामा नॉर्थिंग से कैसे बनता है। तो आपने यहाँ पे 15 जो है वो इस डायरेक्शन में माउस को करके एंटर करना है, तो देखें ये लाइन 15 मीटर लग गई। उसके बाद मैंने ऊपर की तरफ जाना है तो मैं 9 इधर लिख के एंटर करूंगा तो ये मेरी लाइन लग गई। फिर इसकी तरफ जो है इस साइड में मैंने डायरेक्शन की और 5 जो है लिखा और एंटर किया। फिर नीचे की तरफ मैंने करके 3 एंटर किया, फिर इस साइड में करके 5 एंटर किया, फिर 3 एंटर किया और फिर 5 लिख के एंटर किया और लास्ट में आप सी एंटर करें क्लोज। 3 लिख के भी मैं आपको बता सकता था कि 3 लिख के आप एंटर करें तो फिर भी आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन मैंने सी एंटर बोला, इसका मतलब है क्लोज। ये कमांड भी आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें। उसके बाद अगर आपने डायमेंशन लेनी है तो आप DLI एंटर करें, DLI। तो देखें ये यहाँ पे पकड़ें और यहाँ पे पकड़ें और ये आपकी 9 मीटर जो है ये डायमेंशन आ गई। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप DLI ही करें। तो आप ये स्क्रीन के ऊपर, अगर आप ये नहीं करना चाहते स्क्रीन के ऊपर, ये देखें यहाँ पे जाके इसकी साइड बार को यहाँ से खोलें और लीनियर में जाएं। लीनियर में जाने के बाद आप ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट करें तो फिर भी आपका काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन आप DLI ही करें ताकि आपका हाथ भी काम करने में तेज़ हो जाए। तो इसके बाद जो है मैं आपको डबल एंटर करके बताता हूँ। ये देखें अभी शेप चेंज हो गई है, मैंने साइडें भी नहीं पकड़ी, डबल एंटर किया तो ये खुद ही साइडें पकड़ के तो मैश ले लेगा। फिर मैं डबल एंटर करता हूँ, देखें ये स्क्वायर बॉक्स बन जाता है और फिर ये डायमेंशन ले ली। फिर डबल एंटर करता हूँ, अगर एक दफ़ा एंटर करेंगे दोनों साइडें आपको जो भी लाइन है उसके कॉर्नर पकड़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉर्नर भी ना पकड़ें खुद ही ऑटोमेटिक पकड़े जाएं तो आप डबल एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरह ये पमाइश आ गई, फिर डबल एंटर, फिर ये पमाइश आ गई। तो आप कोशिश किया करें डबल एंटर ही, बाद हम कॉर्नर सही तरीके से पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए आप कोशिश किया करें डबल एंटर करके ही पमाइश जो है ले लिया करें। ये था ये सिंपल मेथड, जिस तरीके से मैंने सिर्फ लेंथ लगाता गया डायरेक्शन में तो ये मेरा स्ट्रक्चर जो है बन गया। अभी मैं इसको माउस से ड्रैग करता हूँ राइट साइड से, एम एंटर, इसका मतलब है मूव कमांड। यहाँ से मैं पकड़ूंगा, ये देखें लिखा हुआ है स्पेसिफाइड बेस पॉइंट,
इधर से पकड़ के इसको मैं मूव करके साइड पे रख देता हूँ। ये 90 डिग्री पे मूव हो रहा है, तो आप F8 दबाएं तो ये देखें ये टेढ़ा जो है मूव हो रहा है, किसी भी जगह आप इसको रख दें। अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड जो है वो मेरा क्या है। मैंने आपको ईस्टिंग गामा नॉर्थिंग से बताया था, तो आप फिर L एंटर करें, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको सारे कोऑर्डिनेट लेके समझाया था कि साइड से अगर कोई कोऑर्डिनेट लेके आए तो आपने कैसे वो स्ट्रक्चर बनाना है। L एंटर मैंने कर लिया, फिर आप 0,0 करें, स्टार्ट दोनों का सेम है। उसके बाद ये देखें लाइन सीधी नहीं आ रही, तो आप F8 दबाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री में देखें सीधी हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए थे 15,0, यानी 15 ईस्टिंग था। आपने हमेशा कंप्यूटर के ऊपर जब भी कोऑर्डिनेट से कोई भी लाइन लगानी है, ईस्टिंग पहले लिखनी है, ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट, और उसके बाद नॉर्थिंग जो है बाद में लिखनी है। तो मैंने 15 ईस्टिंग है, कामा नॉर्थिंग 0 है, मैंने जैसे ही दबाया तो ये देखें ये लाइन लग गई। अब मैं माउस को बिल्कुल छेड़ूंगा भी नहीं और सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट देता जाऊंगा और यही स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आपका बन जाएगा। अभी फिर ईस्टिंग आ गई हमारी अगले पॉइंट की, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया 15,9, और जैसे ही मैंने दबाया खुद ही वो लाइन लग गई। उसके बाद फिर आ गया 10,9, 10 क्या है ईस्टिंग, और फिर आगे 9 क्या है नॉर्थिंग। ये देखें ये लाइन लगती जा रही है, मैं माउस को बिल्कुल हिला नहीं रहा। उसके बाद 10,6, अभी मैं जल्दी जल्दी ये करता जाता हूँ। उसके बाद 5,6 ये लाइन लगती जाएगी, 5,3 एंटर। उसके बाद आ गया मेरे पास जी यहाँ पे 0,3, ये आ गया, और लास्ट में आप 0,0 करेंगे तो वही पॉइंट आपका मिल जाएगा। तो फिर इसका भी हम देख लेते हैं DLI से, क्या ये वही पमैशें लगी हैं। तो डबल एंटर मैंने किया, ये देखें जी ये भी 9 आ गया, और ये जो पहले स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ये भी 9 मीटर आ गया। फिर डबल एंटर किया और ये आ गया, फिर इसी तरह डबल एंटर करते जाएंगे और ये आ गया, ये पमैश आ गई, ये वाली आ गई। ये डबल एंटर करने का आपको ये फायदा होगा, कॉर्नर आपको नहीं पकड़ने पड़ेंगे। तो ये मैंने दो तरीके आपको बताए, एक फील्ड का मेथड और एक सिंपल मेथड। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जिस तरह का आपको काम करना पड़े आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लाजम बताइएगा जो मैंने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया या ये अच्छे तरीके से समझाया या नहीं समझाया, ये लाजम बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।